ना। तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में, लास्ट टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन, दैट इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो आइए देखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको क्या कहोगे, NAR, है ना। क्या रहेगी रिएक्टिविटी का ऑर्डर, क्या होगा देखिएगा, आपके पास कोई कंपाउंड आ गए, ये आपके पास एल्डिहाइड, इसको अपन क्या कहते हैं, फॉर्म एल्डिहाइड। ये आपके पास जो कंपाउंड होगा CH3CH डबल बॉन्ड हो, इसको अपन कहेंगे एसिड एल्डिहाइड। नेक्स्ट आपके पास जैसे कंपाउंड आ गया CH3 डबल बॉन्ड, ये भी आपके पास एल्डिहाइड, CH3, ये आपके पास कीटोन, इसको अपन ए कहेंगे, ए इट इज बी, ये आपके पास सी और ये आपके पास डी। अब बात करें कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए, कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मीनिंग क्या हो गया, कि आपके पास जो अटैकिंग रिएजेंट है क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल मीन्स आपके पास क्या होगा, NU पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। और ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, कि सर ये वहां अट्रैक्ट होगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस कार्बन पे मिनिमम होगी ये वही जाके अटैक करेगा, तभी तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अटैकिंग रिएजेंट आपके पास कौन सा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मीन्स कि आपके पास ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, जिसके पास नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उसको आप क्या कहते हो, न्यूक्लियोफाइल कहते हो। अब कहां जाएगा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल वहां जाएगा जहां पर चार्ज डेंसिटी यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो और नेगेटिव चार्ज आपके पास क्या हो, कम हो। अब बात करते हैं कि इनमें अगर अपने को देखना हो कि कौन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो यहां देखिएगा इन दोनों में से मैं अगर बात करूं कार्बन और ऑक्सीजन में से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, कि सर ऑक्सीजन की ज्यादा। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, कि सर नेगेटिव। कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, कि सर पॉजिटिव। यहां पे बात करें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आपके पास कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। यहां पे मैं बात करूं तो ऑक्सीजन पे आपके पास नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे भी अगर देखें तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब कोई पूछेगा कि सर ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है इसके कारण, तो रीजन क्या है कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होंगे, कि सर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन की ओर ट्रांसफर होंगे, बिकॉज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे ट्रांसफर होंगे तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा आपके पास, पॉजिटिव। अब ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ये कहाँ अटैक करेगा, तो देखिएगा यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, इसका जो आई इफेक्ट होता है वो आपके पास कितना है, जीरो। सर इसका आई इफेक्ट जीरो हो के हमें एकदम पता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, कि सर प्लस का इफेक्ट शो करता है, मीन्स ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा CH3 जो है वो कार्बन को, कि सर कैसे करवाएगा। मैंने कहा ये प्लस का इफेक्ट शो करता है, कि सर क्या होता है प्लस का इफेक्ट, हम तो भूल गए। प्लस का इफेक्ट क्या होता है, कि जो ऐसे ग्रुप जो अपने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं वो कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, वो प्लस का इफेक्ट शो करते हैं। तो ये आपके पास इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा, यहाँ पे आपके पास इथाइल ग्रुप, ये भी इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा। यहाँ पे आपके पास CH3 ग्रुप, ये भी इसको क्या कराएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम कहाँ होगा, कि सर यहाँ होगा, जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो यहां क्या होगी, मैक्सिमम,
और यहाँ आपके पास क्या होगी मिनिमम। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अट्रैक करेगा कि सर, न्यूक्लियोफाइल तो वहां अट्रैक करेगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कहाँ होगा कि सर, पॉजिटिव चार्ज तो फॉर्मेल्डिहाइड में ज्यादा होगा। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपके पास क्या आ जाएगा कि सबसे ज्यादा ए, फिर आपके पास बी, फिर आपके पास सी, और फिर आपके पास कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अटैकिंग रिएजेंट कौन सा है आपके पास, न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रिएजेंट है, यानी कि इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा कि जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कहाँ रहेगा आपके पास, फॉर्मेल्डिहाइड पे। यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, मिनिमम होगा। तो आपके पास रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा कि ए सबसे ज्यादा रिएक्टिव और डी क्या रहेगा आपके पास, सबसे कम रिएक्टिव होगा। ओके तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई, जब अटैकिंग रिएजेंट आपके पास क्या था, इलेक्ट्रोफाइल था। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई, अटैकिंग रिएजेंट आपके पास कौन था, एक न्यूक्लियोफाइल था। अब अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में, फ्री रेडिकल। एडिशन रिएक्शन के बाद जब आपके पास फ्री रेडिकल का एडिशन हो तो उस रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कहेंगे। कि अगर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है तो अपन उसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है तो उसको अपन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। फ्री रेडिकल का जब आपके पास एडिशन होगा तो उसको अपन क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कहेंगे। ओके, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन मैंने बताया जैसे आपको अभी कि यहाँ पे एडिशन किसका होगा, फ्री रेडिकल का होगा। तो उस केमिकल रिएक्शन को अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कहते हैं। कल मैंने आपको एक रूल बताया था, कौन सा रूल था सर, वो आपके पास रूल था मार्कोनिकोफ रूल। क्या कहता था मार्कोनिकोफ रूल, मार्कोनिकोफ रूल ये कहता था कि अगर आप एडिशन रिएक्शन कर रहे हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर रहे हो, तो किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव पार्ट, किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो, और हाइड्रोजन यानी कि पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा। ये जो है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि जो फ्री रेडिकल की कोई भी रिएक्शन है वो हमेशा परोक्साइड की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है, परोक्साइड की। कि सर परोक्साइड होते क्या है, परोक्साइड में आपके पास जहां पे परोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट हो। कि सर परोक्साइड बॉन्ड क्या होता है, अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट हो उस बॉन्ड को अपन कौन सा बॉन्ड कहेंगे, उस बॉन्ड को अपन कहेंगे परोक्साइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहेंगे उस बॉन्ड को, परोक्साइड बॉन्ड। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन जो है वो हमेशा किसकी प्रेजेंस में होगी आपके पास, परोक्साइड की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, अब बात करें कि यहाँ पे ये जो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है वो एंटी मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करती है, एंटी मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करती है। कि सर क्या है एंटी मार्कोनिकोफ रूल, एंटी मार्कोनिकोफ रूल मार्कोनिकोफ रूल के जस्ट अपोजिट होता है। कि सर कैसे, एक बार बता दीजिए कि जैसे आपके पास कोई एल्कीन आ गया एसिमेट्रिकल CH3CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने कहा मार्कोनिकोफ रूल लगाना है और HBr ऐड करना है या आपके पास HCl ऐड करना है, मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग HCl ऐड करना है। पॉजिटिव पार्ट कौन सा, H+। पॉजिटिव पार्ट कहां जाएगा, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। और प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, CH3CL, ये आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड आपके पास CH2 है। वो कार्बन सेलेक्ट करना है जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। ये नहीं कि सर यहाँ पे भी तो तीन हाइड्रोजन है, आप H+ को यहाँ ऐड कर दो, आप कार्बन के साथ यानी कि दादाजी के साथ बदतमीजी कर दोगे। कार्बन की वैलेंसी चार होती है, चार ही लेनी है, पांच नहीं लेनी कभी। तो ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन देखेंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन ये दोनों ही है, तो पॉजिटिव
आयन जो है जो H प्लस है वो कहाँ जाएगा, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो, और Cl माइनस कहाँ जाएगा, जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा वो अकॉर्डिंग टू MKF बनेगा सर, MKF यानी कि मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। ओके, जब आप क्या करते हो, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन करते हो, यहां पे अगर आप HBr ले लेते हो और परोक्साइड लेते हो, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन HBr ही देता है, HF नहीं देगा, HCl नहीं देगा, HI नहीं देगा, HBr प्लस आपके पास परोक्साइड, तो जो प्रोडक्ट है वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, प्रोडक्ट हमेशा AMKF यानी कि एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। एंटी मार्कोनिकोफ रूल का मीनिंग क्या हो गया कि पॉजिटिव पार्ट तो वहां जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो, पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो, और नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो। MKF वाले जो एरो है वो मैं हटा देता हूँ, ताकि नहीं तो आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। मार्कोनिकोफ रूल वाले जो एरो है उसको अपन हटा देते हैं, ये मार्कोनिकोफ रूल था उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन चुका था। एंटी मार्कोनिकोफ रूल में क्या होता है कि आपके पास एच है, बी आर है, एच पे कौन सा चार्ज के सर पॉजिटिव, बी आर पे कौन सा चार्ज के सर नेगेटिव, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव वाला है वो वहां जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो, और नेगेटिव वाला जो है वो वहां जाएगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा हो। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, CH2 और CH2, और आपके पास क्या आ जाएगा, Br, CH3, CH2, CH2, Br। यहाँ पे 2 डिग्री हैलाइड था, यहाँ पे 1 डिग्री हैलाइड है, ध्यान रखिएगा। ये प्रोडक्ट बनता है किसके अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग, और ये वाला जो प्रोडक्ट है वो आपके पास कौन से किसके रूल के अकॉर्डिंग बनेगा, मार्कोनिकोफ के, ये एंटी मार्कोनिकोफ के। तो जब फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होती है तो उस समय हमेशा प्रोडक्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ रूल के बनता है, ये हमेशा ध्यान रखना है अपने को। और अगर आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगा, किसका प्रोडक्ट बनेगा, मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग। तो जो मार्कोनिकोफ रूल का स्टेटमेंट था उसका जस्ट रिवर्स कर दीजिए, वो आपके पास क्या होगा, एंटी मार्कोनिकोफ रूल का स्टेटमेंट होगा। ओके, अब डिस्कस करते हैं इसकी मैकेनिज्म के बारे में कि मैकेनिज्म कैसे होगी फ्री रेडिकल। देखो, फ्री रेडिकल जहां आ गया वहां पे मैकेनिज्म 3 स्टेप में कंप्लीट होती है कि सर कौन कौन से, एक तो चेन इनिशिएशन, एक चेन प्रोपागेशन और एक चेन टर्मिनेशन, 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है। जहां पे कि फ्री रेडिकल आता है रिएक्शन कंप्लीट होती है 3 स्टेप में। पहला स्टेप आपके पास कौन सा आता है, चेन इनिशिएशन स्टेप, ठीक है। चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। सर कैसे होगा, आपने यहां पे लिया है परोक्साइड, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, बॉन्ड क्लीवेज होगा, इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इसके पास, इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इसके पास, ठीक है। तो आपको किसका फॉर्मेशन होगा, 2RO फ्री रेडिकल, 2RO फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। ओके, अब देखते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो ये RO है ये रिएक्शन करता है किसके साथ, HBr के साथ। आपने HBr लिया है, HBr के साथ रिएक्शन करेगा। ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये Br का एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और Br का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो क्या बनेगा आपके पास, ROH बनेगा और ROH के साथ क्या आएगा, Br फ्री रेडिकल। ये पहला स्टेप था जिसमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है और इसको अपन क्या कहते हैं, चेन इनिशिएशन स्टेप कहते हैं। कौन सा स्टेप कहते हैं, चेन इनिशिएशन स्टेप। सेकंड बात करें तो वो आपके पास होती है चेन प्रोपागेशन स्टेप। चेन प्रोपागेशन स्टेप में आपके पास क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। कि सर कैसे होगा कि आपके पास आ गया जैसे आर CH डबल बॉन्ड, आपके पास CH2, आपने इसकी Br से रिएक्शन कराई, Br फ्री रेडिकल से। अब आप कहोगे सर दो चीजें हो सकती है, मैंने कहा क्या,
ये तो सिंगल बॉन्ड चलो एक तो रहेगा ही, मैंने कहा है आराम से रहेगा। ये जो एक और बॉन्ड है जो पाई बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन है दो, मैंने कहा एकदम है, ये यहाँ पे भी जाएंगे और ये यहाँ पे भी जाएंगे, ओके एकदम जाएंगे। तो देखो दो कंडीशन होगी कि या तो ये जो फ्री रेडिकल इस कार्बन पे आया है वो इसके साथ रिएक्शन कर ले और आपके पास प्रोडक्ट का क्या फॉर्मेशन हो, आर सी एच फ्री रेडिकल सी एच टू बी आर, ठीक है ना, एक प्रोडक्ट ये बनेगा। सेकंड सेकंड आपकी इच्छा थी कि सर आप ऐसा भी तो कर सकते हो, और आपकी इच्छा हम नहीं टाल सकते, तो आपके पास सी एच टू और यहाँ पे क्या आ गया फ्री रेडिकल, आपको कैसे इग्नोर कर सकते हैं, यू आर द स्टूडेंट्स है ना। आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, यहाँ पे क्लीवेज हुआ बॉन्ड का, एक इलेक्ट्रॉन सी एच का इसके पास और सी एच का इसके पास, यहाँ पे भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन, बी आर पे पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो आपके पास क्या बनेगा सी एच टू बी आर। अब आपको होगा कि सर इसका अटैक आप यहाँ पे भी तो करवा सकते हो, मना थोड़ी है, मैंने कहा ना जी एकदम भी मना नहीं है। आर सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू फ्री रेडिकल बी आर। अब देखिएगा कि यहाँ पे जो फ्री रेडिकल बना है वो कौन सा है कि सर वो तो 2 डिग्री है, यहाँ पे जो फ्री रेडिकल बना है वो कौन सा है कि वो तो सर जी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये आपके पास 1 डिग्री है, ज्यादा स्टेबल कौन सा, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखें, कार्बकेटायन की स्टेबिलिटी देखें, तो ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री, 3 डिग्री के बाद 2 डिग्री, 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में से ये फ्री रेडिकल जो है वो मोर स्टेबल है, और ये आपके पास क्या है लेस स्टेबल है, बिकॉज ये क्या है 1 डिग्री है। तो होगा क्या आपके पास के आर सी एच टू फ्री रेडिकल सी एच टू बी आर, आर सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू फ्री रेडिकल बी आर, यहाँ इसकी रिएक्शन आप किससे करा दो, इसकी रिएक्शन आप एच बी आर से करवा दो, तो जो ये हाइड्रोजन है और ये फ्री रेडिकल जो है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और आपको किसका फॉर्मेशन होगा बी आर, ये आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। पहला स्टेप था चेन इनिशिएशन स्टेप, सेकेंड स्टेप था आपके पास चेन प्रोपागेशन स्टेप, और थर्ड स्टेप आता है आपके पास चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, एक बी आर फ्री रेडिकल वो रहा, एक बी आर फ्री रेडिकल यहां आ जाएगा, ये तो यहां चला गया, प्लस आपके पास बी आर फ्री रेडिकल, तो क्या होगा बी आर फ्री रेडिकल प्लस बी आर फ्री रेडिकल, ये किसका फॉर्मेशन कर देंगे बी आर टू का, और आपके पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ये वाला मेजर प्रोडक्ट। तो हुआ ना एंटी मार्कोनिक ऑफ, क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री है फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है, यहाँ पे ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है वो लेस स्टेबल है ना, लेस स्टेबल है, तो एच फ्री रेडिकल कहाँ जाएगा, वो सी एच के पास जाएगा, वो इसके पास तो नहीं जाएगा, तो प्रोडक्ट इसके अकॉर्डिंग बनेगा, तो इसको अपन कहेंगे ये मेजर प्रोडक्ट है, ये आपके पास क्या है मेजर, और ये आपके पास कौन सा रहता है माइनर प्रोडक्ट रहता है। तो इसी के साथ अपना जो एडिशन रिएक्शन था वो कंप्लीट हुई, दो टाइप की रिएक्शन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट कौन सी थी कि फर्स्ट सर थी सब्स्टिट्यूशन, उसमें 3 पार्ट थे, सेकंड कौन सी थी एडिशन, उसमें भी आपके पास 3 पार्ट थे, कौन कौन से थे दोनों में, एक सर न्यूक्लियोफिलिक था, एक इलेक्ट्रोफिलिक था, और एक आपके पास कौन सा था फ्री रेडिकल, दोनों में ही ऐसा था। फ्री रेडिकल रिएक्शन जो है वो खुद कितने स्टेप में कंप्लीट होती है कि सर जी 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, कौन कौन से में, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपागेशन एंड चेन टर्मिनेशन, ठीक है ना। तो अपन ये कंप्लीट कर चुके हैं दो टाइप की रिएक्शन, और अब दो टाइप की रिएक्शन हो रही है, उसके बाद ये ऑर्गेनिक रिएक्शन खत्म, और जो अपना बुक का 13 नंबर चैप्टर है वो अपना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सारी जो रिएक्शन आएगी आपके 13 नंबर चैप्टर में वो सारी की सारी इन्हीं से रिलेटेड है, तो वहां पे अपन इतना कह देंगे कि ये इस मैकेनिज्म से कंप्लीट हो रही है, ये इस मैकेनिज्म से कंप्लीट हो रही है, आपको पता है कि कौन सी मैकेनिज्म कब लगती है, तो कंडीशन सारी आपको पता है, सब मैकेनिज्म आपको पता है, तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट और थर्ड रिएक्शन पे बात करते हैं अपन। थर्ड रिएक्शन क्या होती है आपके पास, एलिमिनेशन रिएक्शन।
एलिमिनेशन रिएक्शन। कि सर क्या होती है एलिमिनेशन? नाम से ही पता है, किसी एटम का मॉलिक्यूल का है ना एलिमिनेट हो जाना, यानी कि किसी मॉलिक्यूल में से कोई आपके पास कंपाउंड है, उस कंपाउंड में से किसी पर्टिकुलर एटम का बाहर निकलना, उसको अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा था? मॉलिक्यूल दूसरे एटम्स ऐड हो रहे थे, दूसरे मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे थे, तो क्या हो रहा था? पाई बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। वहां पे क्या हो रहा था? एक पाई बॉन्ड से टू न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ क्या होगा एलिमिनेशन रिएक्शन में? कि एलिमिनेशन रिएक्शन में टू सिग्मा बॉन्ड से वन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। टू सिग्मा बॉन्ड से वन पाई बॉन्ड का क्या होगा आपके पास? फॉर्मेशन होगा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन का मीनिंग क्या हो गया? कि किसी एटम का बाहर निकलना किसी कंपाउंड में से, उसको अपन कौन सी रिएक्शन कहेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? टू सिग्मा बॉन्ड से एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि सेचुरेटेड कंपाउंड से अनसेचुरेटेड कंपाउंड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। इसको अपन क्या कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन जो है उसको अपन क्लासिफाइड करते हैं कितने टाइप में? टू टाइप। एक आपके पास आता है अल्फा एलिमिनेशन और एक आपके पास कौन सा आता है? बीटा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन का मीनिंग क्या हो गया? कि जब दो एटम का एलिमिनेशन जो है वो एक ही ग्रुप से हो रहा हो। कि सर कैसे? कि आपके पास ये कोई कंपाउंड है R, C, X है और आपके पास Y है, ये दोनों इसी कार्बन से बाहर निकल रहे हो, तो उस एलिमिनेशन को अपन कौन सा एलिमिनेशन कहेंगे? अल्फा एलिमिनेशन। यानी कि एक ही कार्बन एटम से ग्रुप का बाहर निकलना, उसको अपन क्या कह देंगे? अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। कि सर बीटा में क्या होता है? बीटा में क्या होगा आपके पास? कि जैसे ये R है, ये C है, ये C है, यहाँ पे X है और यहाँ पे आपके पास Y। एडजेसेंट कार्बन एटम से जब आपके पास दो ग्रुप बाहर निकलते हैं, तो उसको अपन कौन सी एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अल्फा में क्या होगा? एक ही कार्बन एटम से जब ग्रुप बाहर निकलते हैं, एलिमिनेट होते हैं, तो उस रिएक्शन को अपन क्या कह देंगे? अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन कह देंगे। सर इसमें होगा क्या? ये एक्स वाई बाहर निकल जाएगा और आर सी पे आपके पास क्या आ जाएंगे? कार्बिन बन जाएगा, दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, एक वैलेंस इसकी फ्री रहेगी, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे क्या होगा बीटा एलिमिनेशन में? बीटा एलिमिनेशन में एडजेसेंट कार्बन एटम से कि जो दो पास पास वाले कार्बन एटम है उससे ग्रुप का क्या होता है? रिमूवल होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। बीटा एलिमिनेशन दो टाइप की होती है आपके पास। कि सर कौन कौन सी? एक तो होती है इवन एलिमिनेशन, और एक आपके पास कौन सी होती है? E2 एलिमिनेशन। आपने रिएक्शन पढ़ रखी थी SN1 और SN2 के बारे में कुछ, ऐसे ही आपके पास क्या होती है? E1 और आपके पास E2। यहाँ पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो डिपेंड करेगा एक मॉलिक्यूल पे, तो उसको अपन क्या कहते हैं? E1 एलिमिनेशन। यहाँ पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो कितने मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगा? टू मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा, तो उसको अपन क्या कह देंगे? E2 एलिमिनेशन। तो जो बीटा एलिमिनेशन है वो टू टाइप की होती है। फर्स्ट आपके पास कौन सा आता है? E1, और सेकंड आपके पास कौन सा आता है? E2। अगर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन एक ही मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है तो उसको E1 एलिमिनेशन कह देते हैं, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो है वो टू मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है तो उसको अपन क्या कह देते हैं? E2 एलिमिनेशन कहते हैं। इसमें कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होता है ना, इसमें कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो अपन कल देखेंगे कि अल्फा एलिमिनेशन में क्या रहता है, बीटा एलिमिनेशन में क्या रहता है, बीटा में भी E1 और E2 में क्या क्या किस किस कैसे अपने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और रिएक्टिविटी जो है E1 और E2 की वो किस पे डिपेंड करती है। ओके, तो कल की क्लास में अपन किस पे डिस्कस करेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन, और उसके बाद एक रिएक्शन और रहेगी अपने पास, कौन सी? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। आफ्टर दैट द टॉपिक ऑर्गेनिक रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन अपना क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ओके,
मिलते हैं कल, थैंक यू।